बढ़ते आगे यूपी की राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश और राजभर के रास्ते अलग हो सकते हैं। आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं एसपीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर। राजभर ने आज विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में तय होगा कि एसपी से गठबंधन रहेगा या नहीं। एसपी के कुछ करीबी नेता भी राजभर के संपर्क में, ये भी बात निकलकर सामने आ रही। बड़ी बात है ये, एसपी अध्यक्ष की नाराजगी अनदेखी से नाराज होकर बताया जा रहा है राजभर, और उसके बाद ये बड़ा फैसला ओपी राजभर की तरफ से लिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के कुछ करीबी नेता भी ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि यशवंत सिन्हा आए हुए थे और उस दौरान अखिलेश यादव ने ओप राजभर को बुलाया नहीं था, और इसी बात की नाराजगी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं राजभर से जुड़ी, एक और एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में ओम प्रकाश राजभर है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के बड़े नेता से मिले थे राजभर। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह से गुप्त मुलाकात की बात निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि जो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ओपी राजभर की नाराजगी निकलकर देखने को मिल रही थी, एसी वाली बात देखने को मिल रही थी, अब ये बात कि रास्ते अलग हो सकते हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है ओम प्रकाश राजभर की उनके अपने विधायकों के साथ लखनऊ में शाम 8 बजे है, और निश्चित तौर पर 8 बजे कोई बड़ी खबर आ सकती है। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, लगभग ये आज का मान सकते हैं कि शायद ओम प्रकाश राजभर की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक आखिरी और अंतिम बैठक हो सकती है। ये अंतिम बैठक की मुहर लग सकती है बतौर गठबंधन के साथी के तौर पर। ओम प्रकाश राजभर जरूर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन अखिलेश यादव से कोई बात नहीं हो रही है, और ये साफ बता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि लगातार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सपा के गठबंधन का जिक्र किया करते थे, कई बार ऊंच नीच बयानों के बाद भी वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कई बार उन्हें विधान परिषद और राज्यसभा इन सब जगहों की भी जो उम्मीदें होती हैं, पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, उसमें जगह ना मिलने के बावजूद भी वो मायूस नहीं थे, लेकिन कहते रहते थे कि गठबंधन चलेगा। आज शाम 8 बजे की जो बैठक है महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं। आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत है सर आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राजभर के, ओम प्रकाश राजभर जी के रास्ते जो है वो अलग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से आप अलग हो सकते हैं। देखिए, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे रहना चाहते हैं जी। लेकिन अब माननीय अखिलेश यादव जी नहीं चाहेंगे अपने साथ रखने के लिए, तो हम जबरी तो रह नहीं सकते, वो ही बता सकते हैं कि उनको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं जी। इस तरीके से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना होता तो हम आजमगढ़ में जा करके 12 दिन हम अपने 350 कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ गर्मी में नहीं जूझते, हम लोग भी एसी में बैठे रह जाते, आराम से मौज करते। लेकिन हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया कि हम मेहनत किए जा करके। अब फैसला माननीय अखिलेश यादव जी को करना है कि क्या वो हमको अपने साथ रखना चाहते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा लाभ लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वो तो तय उनको करना है। लेकिन जिस तरीके का चल रहा है, 12 तारीख को अपने विधायकों की बैठक बुलाए हैं, आज हम पूर्वांचल के सभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उसके बाद आगे की रणनीति जो होगा उसको 12 तारीख को आपके सामने रख दिया जाएगा। अरुण जी, जी एक बात जरूर क्लियर कर दीजिए, ये अचानक से बैठक क्यों बुलाई है? लेकिन ये बैठक अचानक नहीं है, ये बैठक हमारी हर महीने की 1 तारीख को होती है, लेकिन बरसात होने की वजह से इसको हम लोगों ने टाल दिया था कि ये बैठक 8 तारीख को होगी, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा बारिश। अरुण जी, क्या कोई बड़ा ऐलान राजभर की, ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से हो सकता है? 12 तारीख को हो जाएगा, 12 तारीख को माननीय अखिलेश यादव तय कर लेंगे कि अब अगर हमको रखना चाहेंगे
तो हम उनके साथ अपना समर्थन करेंगे। आपकी राय क्या है, आप रहना चाहते हैं या नहीं, आपकी तरफ से क्या कुछ? हम तो रहना चाहते हैं, अब वो हम तो रहना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव नहीं रखना चाहेंगे तो हम जबरी तो देंगे नहीं कि हम उसको अपने पास जबरदस्ती। कहां आपको लग रहा है कि जबरन आप, मतलब आपको लगता है कि जबरन जो है वो आपको रखे हुए अपने साथ गठबंधन में आप? नहीं, देखिए अब हम भाई हम तो गठबंधन धर्म का पालन किए, हमने हमेशा से, हमने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि आजमगढ़ चुनाव हारने के पीछे की वजह यह थी कि हमारा नेतृत्व तो हमारे बीच में नहीं आया। इतना बुरा लग गया यह बात कि जैसे लगता है कि हमने बहुत बड़ी चीज उनसे कह दिया। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के खुद ही चाहते थे कि आजमगढ़ में माननीय अखिलेश यादव जी आवे, नहीं आए तो उसी को एजेंडा बना करके कि नहीं हमारे ऊपर नसीहत दे रहे हैं, तो ठीक है हमारी नसीहत मत मानिए, अपने कार्यकर्ताओं को मान लीजिए कि अब से भी तो संगठन के लिए काम करिए, अपने क्षेत्र में दौड़ा करिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए। जब वो अपने विधायकों से नहीं मिल रहे हैं तो हमसे क्या मिलेंगे? सवाल तो इस बात की है ना कि जब अपने विधायकों से वो मिल नहीं रहे तो हमारे विधायकों के लिए क्या सोचेंगे, वो हमारे नेताओं के लिए क्या सोचेंगे? अरुण जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है, अरुण राजभर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, राजभर जी जो है वो आपसे अलग होना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का साथ जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए ये सारी बातें अपनी जगह है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा जो समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में रहेंगे और 24 का चुनाव मिलकर साथ रहेंगे। जो भी आपसी गिले शिकवे हैं वो क्या कहते हैं बैठ के सारी बातें हो जाएंगी। गिले शिकवे तो ये हैं अभिषेक जी की बुलाया नहीं गया। देखिए जो समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग है जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों को बुलाया गया था तो उसमें गठबंधन के किसी उसको नहीं, बाकी तो जयंत चौधरी जी वहां मौजूद थे, वो प्रकाश जी बड़े नेता थे, आजम खान साहब थे, कोई बड़े नेता थे अभिषेक जी तो आपने मतलब आपकी पार्टी ने बुलाया क्यों नहीं? भाई बुलाने के लिए हमने कब मना किया, हमने कब ये बात कही कि हमने ये नहीं कहा है, तो हमने बोला वो समाजवादी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने बुलाया था वो प्रकाश राजभर जी खुद नहीं गए? मेरी बात आप कंप्लीट तो हो जाने दें, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के विधायकों को बुलाया गया। अरुण जी अभिषेक राय जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को बुलाया गया था, एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि राजभर जी को बुलाया गया था लेकिन वो खुद नहीं आए। देखिए बुलाया तो गया था, जैसा इन्होंने कहा कि बुलाया गया था, हमें 5 तारीख को फोन आया था कि 7 तारीख को मीटिंग है, हम लोग 7 तारीख की तैयारी कर रहे थे और सभी विधायकों को हमने सूचना दे दिया था कि कार्यालय को 7 तारीख को समाजवादी, जिस दिन सूचना दी जाती है उसके 2 घंटे बाद ये सूचना आती है कार्यालय से कि आपको बैठक में नहीं आना है और ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो हम लोगों ने अपने विधायकों को फिर से कहा कि देखिए बैठक वहां सूचना ही कैंसिल हो गई, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि हमको बुलाया गया, फिर हमको डार्क में रख करके, हमें अंधकार में रख करके माननीय अखिलेश यादव जी क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे सीजन तक? जवाब ले लेते हैं, हमारा गठबंधन से संतुष्ट नहीं। अरुण जी अभिषेक जी से ही जवाब ले लेते हैं, अभिषेक जी बता दीजिए क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव जी? देखिए कहते हैं ना कुछ इसको कोई संदेश देने वाली बात नहीं है, जहां तक बात है ओम प्रकाश जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी करते हैं और समाजवादी पार्टी भी करती है, तो माननीय ओम प्रकाश जी को इनविटेशन का जो भी रहा है वो मीटिंग जो है ऑफिशियल जो थी वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की, जो समाजवादी पार्टी के उसमें गठबंधन के सहयोग